नाम आदिल अहमद है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ एज असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो मतलब इस कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में कुछ? इस कॉलेज की स्थापना 2004 में डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन पूर्व सांसद द्वारा की गई थी। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है फरमान अली, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों पीछे देख सकते हैं, ये सिवान जिले का इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसको मोहम्मद साहबुद्दीन बनवाए हैं। इसकी स्थापना सन 2000 में किया गया था और इसका पूरा फुल नेम है सिवान इंजीनियरिंग कॉलेज एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सिवान से लगभग 5 किलोमीटर दूर चाप गाँव में स्थित है। इसमें पॉपुलर कोर्स है मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, साइंस एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर ETC। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को सिवान इंजीनियरिंग कॉलेज का पूरा व्यू दिखाऊंगा, अंदर चल के इसका पूरा फुटेज दिखाऊंगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप पहले से कर दिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मैं आज आप लोगों को सिवान कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में कुछ?
इस कॉलेज की स्थापना 2004 में डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन पूर्व सांसद द्वारा की गई थी, और जिसको इस क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कि हायर एजुकेशन के लिए जो अब हमारे बच्चे हैं जो बाहर जाते हैं, जिनको ज़्यादा परेशानी होती है, वो अपने ज़िला में रह के, अपने गृह ज़िला में रह के वो पढ़ सकें, उन्हें वो सारी सुविधा मुहैया कराया जाता है यहाँ। और टेक्निकल कोर्सेज हैं या इंजीनियरिंग की क्लासेज चलती हैं, साथ में MBA भी है इंजीनियरिंग में 5। मतलब इसमें पूरा टोटल कोर्स कितने हैं? इसमें 2 पार्ट है, एक इंजीनियरिंग है, दूसरा MBA है। इंजीनियरिंग में 5 ब्रांचेज हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर साइंस है, और सिविल इंजीनियरिंग है। MBA में भी 3 ब्रांच है, उसमें MBA में HR है, फाइनेंस है, और मार्केटिंग है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना कुछ बताने के लिए। सर ने हमें काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, इसके बारे में कुछ बताया। चलिए, आपका बहुत बहुत थैंक यू। चलिए फ्रेंड, मैं चलता हूँ आगे, और इस